नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको माल कांगनी के प्रयोग के बारे में बता रहे हैं। इनके बीजों में एक तेल होता है जो गाढ़ा तथा पीले रंग का होता है, साथ ही इस तेल का स्वाद भी कड़वा होता है। ध्यान रहे, अगर आप बाजार से इसका तेल खरीदना चाहते हैं तो अच्छी तरह से जाँच लें, क्योंकि अधिकतर लोग इसका नकली तेल बेचते हैं। वैसे तो अच्छा रहेगा कि आप बाजार से इसके बीजों को खरीदें और खुद इसका तेल निकलवाएं। एक अन्य बात, इसके बीज और तेल दोनों ही समान रूप से गुणी होते हैं। इसका हर बीज चने की आकार का होता है, जिसमें 6 अन्य छोटे छोटे बीज भी पाए जाते हैं। साथ ही संस्कृत भाषा में इसे ज्योतिषमती के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब माल कांगनी के फायदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले, ये बुद्धि वर्धक होता है, बुद्धि को बढ़ाता है। आयुर्वेद में इसे बुद्धि बढ़ाने वाली दवाई कहा जाता है और यही इसके लिए सबसे अच्छा विश्लेषण भी माना जाता है। इस तरह देखा जाए तो ये उन छात्रों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है जो पढ़ने में कमजोर होते हैं। याददाश्त को बढ़ाता है, बुद्धि के साथ साथ ये याददाश्त को बढ़ाने में भी सहायक होता है और अपने इस गुण के लिए तो ये विश्व भर में प्रसिद्ध भी है। अगर इसका प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें शंख पुष्पी चूर्ण भी मिला सकते हैं। मानसिक शक्ति प्रदान करता है, वे लोग जो सदा चिंता में खोए रहते हैं आगे बढ़ने से कतराते हैं, इनके अंदर डर है, उनके लिए भी ये औषधि गजब का कार्य करती है। साथ ही इसकी एक खास बात ये है कि इसका प्रयोग 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। स्मृति भ्रंश में भी ये बहुत ही कारगर होती है। ये रोग बुढ़ापे का रोग है, इसमें व्यक्ति अपनी कही बात या कार्य को भूल जाता है। कुछ समय बाद उसे बात याद आ जाती है तो अगले ही कुछ समय बाद वो फिर से बात को भूल जाता है, किंतु इस रोग से छुटकारा पाने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ये डिप्रेशन को दूर करने के लिए बड़ी कारगर दवाई मानी गई है। डिप्रेशन या अवसाद के लिए तो इसे रामबाण इलाज माना जाता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि तत्काल परिणाम देता है। मनोरोग के अनेक चिकित्सक भी इसी औषधि का प्रयोग करते हैं। ये इंद्रियों को मजबूती देता है। दोस्तों, पहले बताए सभी लाभों के साथ हमारी सभी इंद्रियां, जैसे कि नाक, कान, आंख इत्यादि की शक्ति को बढ़ाकर हमारे शरीर को पूर्ण करता है। खून को बनाकर वह उसे शुद्ध करके ये शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसका तेल प्रयोग करने की विधि भी आप जान लीजिए। इसका तेल लेने के लिए आप दिन में 1 बूंद से 2 बूंद तक का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि तेल कड़वा होता है तो उसे सीधा लेने में आपको संकोच होगा। तो इसके लिए आप तेल की बूंदों को चम्मच में लेकर चाटें और ऊपर से दूध पी जाएं। अब सावधानियां क्या रखनी है, वो सावधानियां भी आप देख लीजिए। वे लोग जिन्हें एनीमिया, थैलेसीमिया, नवविवाहित, पेट में अल्सर से पीड़ित, किडनी रोगों से ग्रस्त, मुंह में छाले वाले व्यक्ति, एक्जिमा, गर्भवती स्त्री, ना तो इसके तेल का प्रयोग करें और ना ही बीजों का। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।